नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी कैंपस स्टडी में। फ्रेंड्स, जितने भी छात्र क्लास टेंथ में पढ़ रहे हैं और इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देंगे, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए टेंथ मैथ का सिलेबस बतलाने जा रहा हूं, जो कि बिल्कुल न्यू पैटर्न पे आधारित है। साथ ही साथ आप लोग जानिएगा कि कौन कौन से चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा और कौन कौन से चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नया वीडियो के नीचे रेड रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है तो उसे दबाकर बगल वाले घंटी को ऑन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, हम लोग को यहाँ पे चैप्टर वन में पढ़ना है, यहाँ पे नंबर सिस्टम, जिसे हम लोग यहाँ पे हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, तो नंबर सिस्टम में हम लोग को ओनली पढ़ना है यहाँ पे रियल नंबर, जिसे रियल नंबर्स को हम लोग यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पे नंबर सिस्टम से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो कि यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर टू में यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है अलजेब्रा, जिसे हम लोग यहाँ पे बीजगणित बोलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है, तो अलजेब्रा में हम लोग को पढ़ना है पॉलीनोमियल्स, जिसे हम लोग हिंदी में बहुपद बोलते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसे हम लोग यहाँ पे हिंदी में दो चर वाले रैखिक समीकरण बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रिक इक्वेशन, जिसे हम लोग यहाँ पे द्विघात समीकरण बोलते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है एपी, ठीक है, जिसे एथमेटिक प्रोग्रेस कहते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे अलजेब्रा से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो कि यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर थ्री में हम लोग को पढ़ना है ज्योमेट्री, जिसे हम लोग यहाँ पे ज्यामिति बोलते हैं। अब यहाँ पे ज्योमेट्री भी यहाँ पे पढ़ना है हम लोग को क्या क्या, तो ट्रायंगल्स पढ़ना, जिसे हम लोग यहाँ पे हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स यूज को पढ़ना है, जिसे हम लोग हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय और इसका यहाँ पे उपयोग के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है हम लोग को यहाँ पे टेंजेंट टू ए सर्किल, जिसे हम लोग यहाँ पे हिंदी में वृत्त की स्पर्श रेखा बोलते हैं। उसके बाद पढ़ना है हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिकल यहाँ पे कॉन्स्ट्रेशन, जिसे हम लोग यहाँ पे ज्यामितीय यहाँ पे रचनाएं जो हम लोग यहाँ पे बनावट बनाते हैं, जो कि यहाँ पे अब यहाँ पे ज्योमेट्री से बोर्ड एग्जाम में 25 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे चैप्टर फोर में जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसे हम लोग यहाँ पे नियामक ज्यामिति बोलते हैं। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो ओनली यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ना है, जो कि इससे बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चैप्टर फाइव में पढ़ना है मेंसुरेशन, जिसे हम लोग यहाँ पे हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेंसुरेशन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, जिसे हम लोग यहाँ पे हिंदी में वृत्त से संबंधित क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है यहाँ पे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जिसे हम लोग आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर छः में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे ट्रिगोनमेट्री पढ़ना है, जिसे हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, मेंसुरेशन से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो कि 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे ट्रिगोनमेट्री में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है ट्रिगोनमेट्रिकल रेशियो, जिसे हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रिगोनमेट्री में कई सारे भी और चैप्टर हैं, यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम लोग HD बोलते हैं, जिसे यहाँ पे ऊंचाई एवं दूरी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिगोनमेट्री से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 7 में जो कि स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसे हम लोग यहाँ पे सांख्यिकी और यहाँ पे प्रायिकता बोलते हैं। अब इसमें हम लोग को कई सारे यहाँ पे चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि यहाँ पे मेन, मीडियम, मोड, जो कि हम लोग यहाँ पे माध, माधिका, बहुलक पढ़ते हैं, ठीक है। इसी में हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, जिससे हम लोग यहाँ पे प्रायिकता अथवा संभाव्यता के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीका से हम लोग को यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं और इसी 100 मार्क्स का हम लोग यहाँ पे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देते हैं मैथ का, ठीक है। फ्रेंड्स, सभी सब्जेक्ट का आप लोग को सिलेबस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी चैप्टर में ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चैप्टर पर थोड़ा सा आप लोग ज्यादा फोकस जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को ऑन कर लीजिएगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।